तो हम कर रहे थे बेटा फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियर। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन किया था, हमने डायबिटीज मेलाइटस के बारे में किया कि दे रिक्वायर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस रिक्वायर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। सोर्स ऑफ इंजेक्टिबल इंसुलिन क्या है? फर्स्ट है इनिशियली जो थी इंसुलिन ना बेटा, ह्यूमन जैसे मैमल्स की, लेट अस से हम चलो ह्यूमन जैसे तो नहीं हम कहते, बट कुछ मैमल्स की जैसे पिग्स में से, मंकीज में से इंसुलिन उनके पेनक्रियाज में से निकाल के ह्यूमंस में इंजेक्ट करने लगे। बट क्या देखा कि क्योंकि चाहे ब्रॉडली जो है फंक्शन सेम है इंसुलिन का हम में, मंकीज में, पिग्स में, माइस में, बट कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। इसलिए जब उन एनिमल्स की इंसुलिन ह्यूमंस में डालने शुरू की तो ह्यूमंस में एलर्जी शुरू हो गई, कुछ साइड इफेक्ट शुरू हो गए। तो दैट वाज नॉट, यू नो, हम कह सकते हैं कि वो एक क्योर नहीं था डायबिटीज, राइट? तो इनिशियली इंसुलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेंक्रियास ऑफ अदर मैमल्स सच एज पिग्स, हॉर्सेस, मंकीज एक्सेट्रा। बट देयर इंसुलिन इज नॉट कंपैटिबल इन ह्यूमंस। एक तो डायबिटीज तो थी ही थी, उसके साथ विच स्टार्ट डेवलपिंग एलर्जीज। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज देयर इज सम, चाहे एक अमीनो एसिड का भी हो बट है जरूर है स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन ह्यूमन इंसुलिन विथ इंसुलिन ऑफ अदर मैमल्स। ये है इंसुलिन, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, इसलिए ह्यूमंस है उसके लिए उसके कारण एलर्जीज हो गई। ठीक है, उसके बाद अनदर ऑप्शन, ये ऑप्शन तो खत्म हो गई कि दूसरे एनिमल्स में से निकाल के ह्यूमंस में डाली जाए। अब क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, या हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ, आप थोड़ा सा ये कह दो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियर। अब व्हाट आर द चैलेंजेस
चैलेंजेस क्या थे, ठीक है। फर्स्ट है कि इफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन आर इंसर्टेड इन बैक्टीरिया तो इसके दो चैलेंजेस थे। फर्स्ट चैलेंज क्या था कि बैक्टीरिया डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म टू रिमूव इंट्रोन्स, जो ह्यूमंस में जीन्स है वो कौन सी है, स्प्लिट जीन्स है, जेनेटिक्स याद करो, एक्सॉन्स एंड इंट्रोन्स वाली। तो बैक्टीरिया में अगर हम जीन डाल देंगे वो हेट्रोजीनस आरएनए बना देगा, बट एमआरएनए नहीं बनाएगा, और अगर एमआरएनए नहीं बनाएगा तो आगे इंसुलिन कैसे बनेगी। सो प्रोसेसिंग ऑफ स्प्लिट जीन्स या प्रोसेसिंग ऑफ, और यू कैन से नो मैकेनिज्म फॉर स्प्लाइसिंग ऑफ हेट्रोजीनस आरएनए, पहले तो उसके पास ये नहीं। दूसरा एक और हम सेकेंड, इफ सीडीएनए, मैंने अभी आपको बताया सीडीएनए क्या है, सीडीएनए इज द डीएनए विच इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए में तो इंट्रॉन्स है ही नहीं, इसलिए सीडीएनए या हम कह देते हैं प्रोसेस्ड डीएनए, ब्रैकेट में लिख लो, विच डज नॉट हैव इंट्रॉन्स। ठीक है, इज इंट्रोड्यूस्ड देन bacteria will form pro-insulin and not insulin, as it does not have mechanism to remove C-peptide। अब क्या करें, कैसे करें, अब हमारे सामने ये चैलेंज आ गई। तो एक अमेरिकन कंपनी है एली लिली या एली लिली, उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं, हमने जो है ए पॉलीपेप्टाइड की जीन अलग से बनानी है, बी पॉलीपेप्टाइड की जीन अलग से बनानी है या ह्यूमन के सेल्स में से निकालनी है। पूरी इंसुलिन की जीन नहीं निकालनी, ए पॉलीपेप्टाइड की जीन अलग और बी पॉलीपेप्टाइड की जीन अलग, इन दोनों जीन्स को अलग कर देना है, अलग अलग बैक्टीरिया में इनको, ऑब्वियसली इसका सी डीएनए बना के अलग अलग बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर देना है, उन बैक्टीरिया से ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड्स रिमूव करनी है, एंड देन आर्टिफिशियली या इन लैब कंडीशन ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड्स आर जॉइंड बाय डायसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म द यू नो फंक्शनल इंसुलिन। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लूं, तो एली लिली ने कब ये काम किया, तकरीबन इन 1983
अमेरिकन कंपनी है बेटा, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एलाई लिली, उन्होंने प्रिपेयर्ड, उन्होंने प्रिपेयर किया, ह्यूमन में से नहीं निकाला, प्रिपेयर्ड टू डीएनए सीक्वेंसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या किया, दे इंट्रोड्यूस बैक टू डीएनए सीक्वेंसेस। इन सेपरेट बैक्टीरिया, सेट ऑफ बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। प्रोटीन्स ए एंड बी आर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली आइसोलेटेड जॉइंड बाय, मैं एस एस लिख रही हूं, आपने डायसल्फाइड लिख लेना है, ज्वाइंट बाय डायसल्फाइड बॉन्ड्स इन लैक्स एंड दे प्रोड्यूस इंसुलिन, फंक्शनल इंसुलिन विच इज देन पैक्ड एंड इज यूज फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। इज इट ओके? ठीक है बच्चों, समझ में आई ये बात के नहीं? ठीक है जी, तो इस तरह से मैंने ए और बी के आर्टिफिशियली हमें पता चल गया, ए और बी जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स का क्या सीक्वेंस है उसके हिसाब से हमने उसकी जीन बना ली, ठीक है, और जीन को अलग अलग बैक्टीरिया में डाल दी और फिर आगे उसे ए एंड बी ले, ठीक, लिख लो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि बाय दिस प्रोसेस अ नॉर्मल जीन इज इंजेक्टेड या इंजीनियर्ड, हम कह सकते हैं नॉर्मल जीन is introduced in the cells having mutated genes mutated gene के कारण एक specific जो enzyme है वो नहीं बन रहा या specific protein नहीं बन रहा, तो हमने क्या किया कि हमने नॉर्मल म्यूटेटेड जीन को वहीं रहने दिया, बट एक हमने नॉर्मल जीन भी सेल में डाल दी ताकि वो एक्सप्रेस करके वो नॉर्मल प्रोटीन जो है वो बना, ठीक है। तो ये है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी, राइट। तो लिख लो, राइट डाउन, जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स, कलेक्शन ऑफ, एक मेथड नहीं है, काफी सारे
gene therapy is a collection of methods that allows correction of a gene defect. ये नहीं कि उस जीन को ठीक करना है, बट एक ठीक जीन डाल देनी है. Correction of a gene defect that has been diagnosed in child or the embryo. Next point है, in this process diagnosed in a child or embryo. Next point है, in this process normal gene is inserted into the cells of the patient. And the normal gene take over the function of the non-functional gene. Take over the function of the non-functional or defective gene or mutated gene. And the disease gets cured. हमें बड़ा इजी लगता है कि इधर से निकाल ली, इधर डाल ली, डिजीज ठीक हो गया. बट इतनी जो है ये इतनी आसान प्रोसेस थी. ठीक है, फर्स्ट क्लिनिकल, ध्यान से समझना है, ये पहले प्रोसेस बनाई गई, सोची गई कि ऐसे किसी प्रोसेस पे हम काम कर सकते हैं, फिर उसको डेवलप किया गया. फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी was given in 1990. किसको दी गई? टू ए 4-year-old. ठीक है, केरला साइड की, साउथ इंडिया की लड़की है. विद टू ए 4-year-old suffering from SCID. So what is SCID? Severe combined immunodeficiency. रीजन क्या है? ड्यू टू नॉन मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स. जेनेटिक डिजीज है स्किड. इस पेशेंट में मैच्योर बी टी लिम्फोसाइट्स नहीं है, इसलिए इम्यून सिस्टम वर्किंग नहीं है. क्यों नहीं है ये? क्यों नहीं मैच्योर होते? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीए एंजाइम. एडीए क्या है? एडीनोसिन डी एमिनेस
ये एंजाइम है। क्यों नहीं है ये एंजाइम? ड्यू टू म्यूटेंट या म्यूटेटेड बोन मैरो सेल्स। Which are responsible for ADA synthesis? Responsible है क्यों? But mutation के कारण ADA नहीं बन रहा। क्या कारण है mutation का? Mutation is due to deletion of few nucleotides of the gene 480. तो deletion mutation के कारण bone marrow cells ADA enzyme नहीं बनाते हैं, जिसके कारण बी और टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं होते एंड द चाइल्ड सफर्स फ्रॉम एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है, इम्यून सिस्टम उसका बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ठीक, तो अब तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इन शॉर्ट वर्ड्स, देयरफॉर स्किड इज ड्यू टू deletion mutation resulting in non-formation of ADA and in deficiency of ADA, B and T lymphocytes do not mature and patients acquired immunity does not develop. This is the reason for skin. अब इसका क्योर क्या है, मैं आपको बताती हूँ। फिर हम लिखते हैं कि क्योर है जी कि या तो जैसे हम इंसुलिन का इंजेक्शन देखते हैं, ऐसे स्किड एंजाइम, ऑल्दो इट इज वेरी कॉस्टली, बट स्किड एंजाइम जो है रेगुलर इंटरवल्स पर ये हम इंजेक्ट करते हैं। दूसरा है, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो डिफेक्टिव बोन मैरो था वो निकाल के नया बोन मैरो किसी का डोनर का नया बोन मैरो डाल देते हैं ताकि फंक्शनल एडीए बने। बट दिस इज नॉट परमानेंट क्योर, क्योंकि जो हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया कुछ टाइम बाद बोन मैरो के सेल्स अपने भी बनेंगे, अगेन वही डिफेक्टिव सेल्स बनेंगे, ये भी काम नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज, एक हमने और क्योर किया कि हमने जो पेशेंट था उसके बोन मैरो सेल्स लिए, उसको हमने कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया, विद द हेल्प ऑफ ए वायरस हमने उसमें करेक्टेड जीन किसी और सेल में से, किसी दूसरे इंसान में से वो जीन, एडीए की जो जीन थी वो निकाल के हमने जो पेशेंट के बोन मैरो सेल्स थे उसमें बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग वी इंसर्ट द नॉर्मल फंक्शनल एडीए जीन। ठीक है, and that new genetically engineered cells of the patient are then introduced in the bone marrow of the patient. But again, this is not a permanent cure because bone marrow cells are not immortal. Hamesha zinda nahi rehte hain, kuch time baad wo marne shuru ho jate hain. Isliye patient ko hum kehte hain uske apne cells jo hai हमने निकाल के उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हमने डाल दिया, बस काम खत्म हो गया। नो, दिस इज नॉट ए क्योर, क्योंकि हमें थोड़े थोड़े टाइम बाद
दोबारा से ये सेल्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट या जेनेटिकली इंजीनियर्ड बोन मैरो सेल्स हमें बार बार कुछ कुछ टाइम बाद 2 साल बाद फिर इंफ्यूज करने पड़ेंगे, अगले 2 साल बाद फिर डालने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने सेल्स जो है वो मर चुके हैं. ठीक है, सो दिस इज नॉट ए परमानेंट. ये हम स्किड की बात करें और की बात नहीं करें. इसलिए ये जीन थेरेपी, देखो ठीक है हमने जीन थेरेपी हम डाल भी देंगे, बट जीन थेरेपी के 2-3 प्रॉब्लम्स हैं. एक तो प्रॉब्लम ये है कि जिस वायरस के थ्रू हम डालते हैं, रेट्रोवायरस के थ्रू हम नॉर्मल जीन सेल्स में डालते हैं, तो वो जीन तो फंक्शनल हो जाती है बट साथ में वो वायरस कैंसर कॉजिंग जीन्स को एक्टिवेट करते हैं. तो पेशेंट एडीए के कारण तो नहीं मरता, स्किड के कारण नहीं मरता, वो कैंसर के कारण मर जाते हैं. एक ये देखा गया है. दूसरा हमने कहा है कि सेल्स को हमने दोबारा दोबारा डालना पड़ता है. तो अब हम क्या करते हैं, इसका हमने क्या एक और हमने ऑल्टरनेटिव क्या सोचा कि रेट्रोवायरस नहीं अब एडीनोवायरस यूज करते हैं. दूसरा, ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स है ये अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स में अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें देन इट इज ए परमानेंट. ठीक है, तो अब क्योंकि अर्ली जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है उनके सारे सेल्स में, बोन मैरो सेल्स नहीं, सारे सेल्स में जो है हम नॉर्मल जीन डाल दें, तो जब बोन मैरो डिफ्रेंशिएट होगी तो उसमें नॉर्मल जीन फंक्शन होगी. सो इफ द जीन थेरेपी इज डन इन अर्ली, यू नो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, देन इट कुड बी अ परमानेंट क्यों. ठीक है, पहले आप ये लिख लो फिर मैं आगे आपको करवा दूं. नेक्स्ट आ जाइए प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी. प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी या लिखो प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी मत लिखो, या लिखो क्योर फॉर, क्योर या ट्रीटमेंट आप कीजिए, ट्रीटमेंट फॉर स्किड, ट्रीटमेंट फॉर स्किड. फर्स्ट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, सेकेंड है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए बट बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस, बट बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस आर नॉट फुली क्यूरेटिव, आर नॉट फुली क्यूरेटिव. ये मैंने बताया ये कि भी पूरी तरह क्योर नहीं करती है डिजीज. उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए थर्ड स्टेप आ जाइए जीन थेरेपी. नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए स्टेप्स ऑफ जीन थेरेपी. फर्स्ट स्टेप है लिम्फोसाइट्स फ्रॉम ब्लड ऑफ द पेशेंट, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम ब्लड ऑफ द पेशेंट आर आइसोलेटेड. एंड आर ग्रोन इन द आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, एंड आर ग्रोन इन द आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, नेक्स्ट स्टेप आ जाइए ए फंक्शनल ए डीएनए जीन
is introduced into lymphocytes, is introduced into the lymphocytes, growing in the culture medium, with the help of the retrovirus, with the help of the retrovirus used as a vector. Next point hai. The transgenic lymphocytes, या genetically engineered लिख लो, genetically engineered lymphocytes are grown in the culture medium for some time, ताकि वो adapt कर जाए नई जीन से, are grown in the culture medium for some time. And then introduced to the patient. हमने क्या किया? Lymphocytes लिए हैं बेटा. Lymphocytes को डाल दिया. Lymphocytes खुद नहीं divide करते. ध्यान दो. Lymphocytes नहीं divide करते. Bone marrow cells lymphocytes बनाते. ठीक है? हमने lymphocytes को modify करके डाल दिया. Next point आ जाइए. Lymphocytes have the specific lifespan. Lymphocytes have the specific lifespan. And thus they die after some time. Full stop करके therefore the patient requires periodic infusion. Periodic means कुछ कुछ time बाद, हर regular interval के बाद periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. Therefore, it is also not a permanent cure. Not a permanent cure, permanent treatment nahi hai iska. Next point hai. If the functional gene for ADA, is introduced into the cells of early embryo. I don't know कितना काम अभी इस पे हुआ तो होगा ही, but कितना हो चुका है कितना नहीं ये हम नहीं कह सकते. Is introduced into cells of early embryo, comma, it could be a permanent cure. अभी पता नहीं है. It could be a permanent cure. ठीक है जी. तो ये थी जीन थेरेपी. जरा देखो. Any doubt you can ask me. Role of biotechnology in molecular diagnosis.
ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, हियर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस रेफर्स टू डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन, स्पेसिफिक, मैम एक बार रिपीट कर दो, मैं दोबारा बताती हूँ, दोबारा बताती, अर्नब तुम भी लिख लो बेटा, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक का नाम है, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इसके अंदर लिख लो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस रेफर्स टू, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस refers to the early diagnosis of pathogens, early diagnosis of pathogens or microbes or the mutated genes. Before the disease becomes, before the disease becomes incurable, next point hai, by serum or urine analysis, hum kehte hain blood test kara lo, urine test kara lo, stool test kara lo, theek hai, तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना कम नंबर होता है, बहुत सिम्टम्स तो नजर नहीं आ रहे, जब सिम्टम्स नजर आते हैं इसका मतलब डिजीज बहुत बढ़ गया है, जब हमारे अंदर माइक्रोब गया उसी टाइम अगर पता चल जाए तो हम एक स्ट्रॉन्ग सी एंटीबायोटिक ले, कुछ और ले जिसके कारण माइक्रोब उसी टाइम मर जाए, बट हम कब टेस्ट कराते हैं, जब अर्ली डायग्नोसिस से, तो पहली बार तो हम जाएंगे क्यों किसी के पास, जब हमें कोई सिम्टम नहीं है तो हम क्यों चेक कराएंगे, ठीक है, डेली तो नहीं हम कर सकते ना कि चलो सीरम टेस्ट करो, यूरिन टेस्ट करो, ठीक है, तो जब तक सिम्टम आता है तब तक बहुत लेट हो जाता है, ठीक है, बट फिर भी कुछ चीजें हैं, जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उससे उनका जो है हम चेक करते हैं कि कोई इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं, कोई यू नो HIV तो नहीं, कोई हेपेटाइटिस तो नहीं, तो HIV हम कहते हैं नहीं भाई मदर बिल्कुल ठीक है, कोई इसको डाउट प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई सिम्टम्स ही नहीं है, फिर भी बाय वेरियस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स दे यू नो टेस्ट द ब्लड, टेस्ट द ब्लड या किसी भी तरह से जो भी है टिश्यूज जो है वो स्टडी करते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है अर्ली डायग्नोसिस करके उसको ठीक किया जाए, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बाय ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट early detection is not possible. अगर हम करा भी लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम भी है, मैं आज करा लेती हूँ अपना ब्लड टेस्ट, तो वो अगर माइक्रोब है तो वो इतने कम है कि वो पकड़े ही नहीं जाते, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इवन इफ सम पैथोजन इज प्रेजेंट, they are present in such a small number that they are not detected by conventional methods. स्टॉप करके बाय दीज मेथड्स द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय दीज कन्वेंशनल मेथड्स पैथोजन इज डिटेक्टेड ओनली when certain
disease symptoms develop. Full stop karke. By this time, jab symptoms aa gaye, by this time, the concentration of pathogen is already very high. Concentration of pathogen becomes already very high. And its cure becomes somewhat difficult. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है, बट नाउ देयर आर सम बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स सच एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सच एज आर डी एन ए टेक्नोलॉजी में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भी बात करते हैं. आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ब्रैकेट में लिख लो सदरन ब्लॉटिंग, कॉमा पीसीआर एंड अलाइजा. ELISA के फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ये सब बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स है. आरडीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर एंड एलाइजा हेल्प्स इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द पैथोजेंस और द म्यूटेटेड जीन्स और द म्यूटेटेड जीन्स. ठीक है बेटा, ये तीन टेक्निक्स मैंने बताई है, एक है सदरन ब्लॉटिंग, दूसरा है पीसीआर और तीसरा है एलाइजा. ये कैसी अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं ये हम कल नेक्स्ट टाइम बताएं. ओके.